हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, दो दिन पहले मैंने गाइस पुष्पा द रूल पुष्पा पार्ट टू पर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि अभी अपकमिंग 8th of April, जिस दिन अल्लू अर्जुन की बर्थडे है, बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कैसे? मेकर्स भाई साहब 8th of April अल्लू अर्जुन की बर्थडे पे टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट गाइस, दो दिन पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर और भी अपडेट्स थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि टीजर जस्ट मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब फिल्म का काम बल्क में पड़ा हुआ है, तो मेकर्स का माइंड सिर्फ और सिर्फ फिल्म कंप्लीट करने की तरफ, सारा माइंड उनका उसकी तरफ है। तो टीजर शूट तो हुआ है, अगर मेकर्स को टाइम मिल गया तो वो एडिट हो जाएगा, हमें टीजर देखने को मिल जाएगा। और ये टीजर नहीं होगा, ये होगा अल्लू अर्जुन को जस्ट भाई साहब वो बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस करवाएंगे, छोटा सा ग्लिम्स भी आप इसको बोल सकते हो। बट नाउ गाइस, जो अपडेट्स निकल कर आई है, कमाल धमाल बवाल होने वाला है। पहली अपडेट, पुष्पा द रूल का भाई साहब जो टीजर है 8th of April को, वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ऑफिशियली तो भाई साहब मैत्री मूवीज यानी कि मेकर्स ने तो सामने नहीं आए, लेकिन मेकर्स ने भाई साहब जो बैक एंड पे उनके सोर्सेज हैं, जो टीम बैठी है आगे, जितने भी ट्विटर हैंडल हैं, सबको भाई साहब कंफर्म कर दिया है कि 8th of April को हमें पुष्पा द रूल का टीजर देखने को मिलने वाला है। अब गाइस, ये न्यूज मेरे पास थी, लेकिन जो दूसरी न्यूज मैंने देखी ना, मैंने कहा यार यही तो चाहिए था। न्यूज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर टीजर होने वाला है मेरा भाई। अब गाइस देखो, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, मतलब कि अगस्त में इस फिल्म ने आना है। तो अगस्त से 4 महीने पहले ये लोग टीजर रिलीज करने जा रहे हैं। अब गाइस, अगर मैं एक हिसाब से देखूं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन दूसरी साइड पे मैं ये भी बोलूंगा कि ये मे बी प्रॉपर टीजर ना हो, आप इसको प्री टीजर बोल सकते हैं। जैसे गाइस एनिमल का प्री टीजर आया था, एनिमल का प्री टीजर भी लगभग ज्यादा ही ड्यूरेशन का था, 1-2 मिनट का था, फिर टीजर आया, फिर ट्रेलर। तो ये जो अभी टीजर आएगा, इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके बाद फिर डायरेक्ट ट्रेलर आएगा, नहीं, इसके बाद भी टीजर आएगा, लेकिन ये अल्लू अर्जुन की बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए भाई साहब रिलीज किया जाएगा। ये भी अपडेट्स है कि बेस्ट टीजर कट होगा इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पुष्पा द रूल का। अब गाइस, ये कितना इस पर हम बिलीव कर सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुकी है कि भाई 8th of April बहुत स्पेशल डे होने वाला है पुष्पा के फैंस के लिए। और भाई कौन एक्साइटेड नहीं है पुष्पा द रूल के लिए, कौन नहीं है भाई? जो नहीं होगा उसको मैं क्या ही बोलूं। लेकिन भाई साहब, इसके साथ एक और भी जो न्यूज है, आप सबने देखा ही होगा दुबई के अंदर भाई पुष्पा का यानी कि अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू बनाया गया। अच्छा, जब कल इनकी पिक्चर्स आई ना, मैं बिलीव मी, मैंने कोई 10 से 20 पोस्ट देखी है जस्ट ये कंफर्म करने के लिए कि रियल कौन सा है भाई, रियल कौन सा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी भाई साहब, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने भी इस तरह किया, वैक्स स्टैचू भी इस तरह का था, रेड कलर का कोट पहना हुआ है, मैं परेशान, यार ये रियल वाला कौन सा? फिर मैंने वीडियो देखी क्लिप में, तो मुझे पता चला कि ये वाला रियल है भाई, इस तरह का उन्होंने बनाया। खैर दोस्तों, मैं यहां पर आपको बताता चलूं, इससे पहले आई थिंक सो बाहुबली के टाइम या बाहुबली 2 के टाइम भाई प्रभास का वैक्स स्टैचू बनाया गया था दुबई के अंदर इसी जगह पर, नाउ अल्लू अर्जुन का बनाया। किसी और का भी बना हुआ या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई साहब ये कमाल का था। एक दफा बंदा परेशान हो जाता पिक्चर देख के कि भाई रियल कौन सा है। तो भाई मुझे वेट था, तो भाई साहब 8th of April का मजा आने वाला है, और ज्यादा मजा इस बात का है रिलीज डेट कंफर्म होगी कि भाई साहब रिलीज डेट 15th of August या नहीं, क्योंकि भाई साहब ये र्यूमर वाली जो डेट्स है ना, ये माइंड से निकल नहीं रही। तो 8th of April को टीजर के साथ जब न्यू रिलीज डेट जो भी हुई 15th of April जो भी है वो जब कंफर्म होगी, तो भाई और मजा आएगा। आपको कितना वेट है भाई साहब टीजर का, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद करो, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Today is my first milestone moment, and thank you all for being here. It's a very emotional moment for me. Thank you, and I'm very happy to see my family here, especially my son, my wife, my daughter, you know, my nephew, niece, my brother. Thank you, and my staff, who I call them my family. Thank you all. Thank you all for being here, and of course, my fans.
थैंक यू माय आर्मी, थैंक यू।